नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये सत्र देख रहे हैं चैनल नंबर 9 पर। और आज के सत्र में कक्षा 9वीं के छात्र पढ़ेंगे सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, ये आपको बता दूँ, ये सब्जेक्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया द हिमालयाज। और ये पाठ पढ़ाने के लिए भारत हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, सबसे पहले हम आप सभी का परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रबुद्ध कुमार मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ छात्रों के साथ जुड़ने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। सर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और सर का मार्गदर्शन हमारे छात्रों को, विद्यार्थियों को मिलने वाला है इस सत्र में। और आगे बढ़ें और सत्र की शुरुआत करें उससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं आप सभी के लिए दे दें। आप हमसे, क्योंकि ये इंटरैक्टिव लाइव सेशन है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएँ, सवाल हम तक पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर है 8800440559 और ईमेल एड्रेस भी आपको बता दें जो है dth.class9@cieet.nic.in, जो आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। इसके माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं। और आगे बढ़ें और उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना भारत की उस मोमेंट के लिए जो आज इस समय भारत जिसका अध्यक्ष है और जिस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। वी आर प्राउड दैट इंडिया एज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड इज कन्वीनिंग द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन दिस ईयर। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency is a watershed moment in her history as it seeks to play pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifesting the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. और ये आयोजन दिल्ली में शुरू हो चुका है और दुनिया भर के दिग्गज नेता भारत में पहुंच चुके हैं। भारत के लिए निश्चित तौर पर ये एक गौरव का क्षण है, गौरव का समय है। और सत्र की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, हाउ मेनी डिविजन्स देर आर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल टर्म्स। सर, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, हाउ मेनी डिविजन्स वी कैन डिवाइड इंडिया। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें अगर इंडिया को, तो इंडिया बहुत ही डाइवर्स नेशन है। और अगर एक हम बर्ड आई व्यू लें, या आप लोगों को पता है कि गूगल अर्थ इमेज आप लोग देखते हैं, या NCERT भुवन करके एक वेबसाइट है, उससे अगर आप एक बर्ड आई पिक्चर लें इंडिया का, तो आपको इंडिया में 6 डिफरेंट डिविजन्स देखने को मिलते हैं। और ये डिविजन्स जो हैं वो हिमालयाज हैं, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयाज हैं। उससे अगर हम सदर्न पार्ट में बढ़ते हैं तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू जाते हैं, और उनके वेस्ट साइड में आप देखें तो आपको थार का जो डेजर्ट है वो देखने को मिलता है, उसके बाद आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, और आपके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हम देखें तो हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड देखने को मिलते हैं। तो हमारा देश एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इसका 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो हमें एक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म, इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें विश्व के लगभग सारी तरह के फीचर, सारी तरह के लैंडफॉर्म्स हमें कमोबेश देखने को मिलते हैं। तो हम इन्हीं सारे लैंडफॉर्म्स, इन्हीं सारे फीचर्स की बात करेंगे, बट मेरा जो आज का जो विषय है, मैं फोकस करूंगा हिमालयाज के ऊपर कि हिमालयाज कहाँ लोकेटेड है, उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, किस तरह की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। हालांकि हम जो डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये जो पूरा जो हमारा जो हमारी जो बात रहने वाली है उसको मैंने एक आउटलाइन में डिवाइड किया है, उसको मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया
उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स उसकी बात करेंगे, और हमारा जो मेजर फोकस होने वाला है वो है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा, सोशल साइंस का चैप्टर 2 है, और इसमें हमने देखा है कि हमारी इंडिया में जो पूरा जो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म से भरा पड़ा है, और ये जो है उसके फिजिकल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, चाहे हम एल्टीट्यूड के टर्म्स में देख लें, या आप डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के टर्म्स में देख लें, या क्लाइमेट के टर्म्स में देखें, तो जो और ये जो क्लाइमेटिक जो वेरिएशन है वो भी कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल लैंडफॉर्म के चलते ही जो है उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पाई जाती है। तो एक बड़ा ही डाइवर्स लैंडफॉर्म हमें पूरे इंडिया में देखने को मिलता है, और जियोलॉजिकली हम देखें तो हमारे पास जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक एंशियंट लैंड मास है, जो कि बहुत स्टेबल है और एक बहुत रिजिड ब्लॉक है, ऐसा कहा जाता है कि वो दैट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो है वो बहुत उसको आसानी से वहाँ अर्थक्वेक नहीं आते हैं, बहुत स्टेबल लैंड मास है। दूसरी तरफ हम अगर नॉर्दर्न हिमालयाज को देखिए तो बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जो कि सबसे नई उत्पत्ति की हैं, दे आर ऑफ न्यू ओरिजिन। इसके अलावा अगर हम माउंटेन्स के साउथ में देखें तो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो कि एलुवियल प्लेन्स को कहा जाता है, जो कि काफ़ी फर्टाइल प्लेन है, इंडिया का ना ही इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड में इसको काउंट किया जाता है। तो और ये एलुवियल डिपॉजिट्स और जितनी भी नदियाँ जो हैं हिमालय से आती हैं और इधर हमारे सेंट्रल पार्ट से आती हैं, उनसे मिलकर एक बहुत फ्लड प्लेन और फर्टाइल प्लेन बनाती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो इग्नियस रॉक्स और जो जो लावा हमारा निकला वॉल्केनिक इरप्शन से, जो लावा और मैग्मा निकला उसकी कंसोलिडेशन से बनी है। तो हमारा जो पूरा जो एक इंडिया को अगर एक बर्ड आई व्यू आप देखते हैं, और साथ ही साथ उसकी डिफरेंट डिफरेंट उसके लैंडफॉर्म्स को आप देखें, तो बहुत ही डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लैंडफॉर्म के टर्म्स में देखने को मिलती हैं। और इन्हीं सारे लैंडफॉर्म्स को देखते हुए हमने पूरे इंडिया को तकरीबन 6 डिफरेंट ज्योग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड किया, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अलग अलग रीजन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग क्षेत्र की विशेषताएं अलग है, कहीं पे डिफरेंट तरह की फिजियोग्राफी मिलती है, कहीं पे डिफरेंट तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कहीं पे डिफरेंट तरह की सॉयल सैंपल्स मिलते हैं हमें। तो इन सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमने पूरी इंडिया को 6 डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया है, और वो उन डिवीजन्स के बारे में हम बात करेंगे विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन हिमालयस एंड माउंटेन्स। राइट, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपके बुक में मेजर जो जियोग्राफिक डिवीजन्स मेंशन्ड है उसमें ये 6 मेजर डिवीजन्स हैं। फर्स्ट है आपका हिमालयन माउंटेन्स, और उसके बाद हिमालयन माउंटेन्स से जब हम साउथ वर्ड्स बढ़ेंगे तो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स मिलता है, उसके बाद हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू है, और वेस्टर्न साइड में जाए तो आपको इंडियन डेजर्ट, जो कि थार डेजर्ट का एक इंडियन टेरिटरी में जो पाया जाने वाला हिस्सा है उसको इंडियन डेजर्ट कहते हैं, थार डेजर्ट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे दोनों कोस्टल प्लेन्स हैं, अरेबियन सी के कोस्ट पे और बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे हमारे कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं, काफ़ी फर्टाइल हैं और काफ़ी टूरिज्म और कह सकते हैं कि बंदरगाहों के लिए, पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं, और वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स भी पाए जाते हैं। और जो लास्ट है, जैसा मैंने बताया, हमारे पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, और साथ ही हमारे पास लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि कोरल इनका ओरिजिन है। तो ये पूरी पूरी इंडिया को हम इस तरह से 6 डिस्टिंक्ट डिविजन्स में हम देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ आवर लैंडस्केप, तो अगर हमें एक सिस्टमेटिक स्टडी करना है हमारे लैंडस्केप का, हमारे पूरे भारत देश का, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है भारत को अलग अलग हिस्सों में उनके लैंडफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स के
साथ उनको हम विभाजित करें, उनको पाठ करें और उसके बाद उसको हम समझने का प्रयास करें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मैप, इस मैप में ये इंडिया का मैप है जो ये दिखाता है कि किस तरह से आप नॉर्दर्न साइड में देखेंगे, उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपको माउंटेन पीक्स जो लाइन देख रही है पिंक कलर की, तो वो हिमालयन माउंटेन रेंज है। उसके जस्ट नीचे जो है गंगा यमुना और जो बहुत सारी जो रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं उनके द्वारा ये बनाया गया जो एक मैदान है। और आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न साइड में डेजर्ट है दक्कन पेटू और उसके नीचे वाला जो पूरा जो ब्लॉक आता है जो ट्रायंगल में उसको हम पेनिनसुलर पेटू कहते हैं। और आपके जो कोस्टल एरिया जिसमें कोरोमंडल कोस्ट है, नॉर्दर्न सरकार है, कोंकण कोस्ट है, ये जो पार्ट जो है वो हमारा जो कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। और आप इस मैप में देख सकते हैं कि अंडमान सी में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड है और अपने लेफ्ट हैंड साइड में लक्षद्वीप आइलैंड देख सकते हैं। तो ये पूरा एक जोग्राफिकल लोकेशन जो है जो डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स के जो डिवीजन है उनको आप इस मैप में देख सकते हैं। ये मैप आपके बुक में भी दिया गया है, उसमें से भी आप देख के उसको समझ सकते हैं और उसको आप एक ब्लैंक मैप लेके आप खुद से भी इन सारे डिवीजन्स को अपने हैंड राइटिंग में मार्क कर सकते हैं सो देट आपका अपना एक एटलस तैयार हो सके। तो अगर मैं आपको माउंटेन्स स्पेसिफिकली माउंटेन्स के बारे में अगर हम बात करें और जो नॉर्दर्न साइड में जो माउंटेन्स हैं उनको हम हिमालयाज कहते हैं। और सबसे पहले हिमालय जो है वो कालिदास के ग्रंथ में मिलता है उसका वर्ड है। और जो हिमालय है उसको उसको कहते हैं अबोड ऑफ स्नो, जिसको कि हिम का आल है बर्फ का घर। तो ये पूरे जो माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय के वो काफ़ी जियोलॉजिकली एक्टिव यंग और स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स फोल्डेड माउंटेन से बने हुए हैं। हालांकि जो इसमें शिवालिक श्रेणी है उसमें भी कई श्रेणियाँ हैं, कई तरह के इसके डिविजन्स हैं। तो जो जो सबसे हाई माउंटेन्स हैं या जिसको हम कहते हैं कि ग्रेटर हिमालयाज हैं वो ज़्यादा कंसोलिडेटेड हैं बजाय कि शिवालिक हिमालयाज के। तो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये तकरीबन 2400 किलोमीटर का उनका जो लेंथ है तकरीबन 2400 किलोमीटर है और वो नंगा पर्वत वेस्ट में नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर की लेंथ है। और एक एक आर्क के रूप में ये है, आर्क के रूप में ये फैले हुए हैं। और अगर हम इनके वेस्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इनकी जो वेस्ट है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है, जबकि हम जैसे ही ईस्टर्न साइड में बढ़ते हैं इनकी जो वेस्ट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि तकरीबन 150 किलोमीटर की वेस्ट हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है भारत में ही नहीं तकरीबन ये जो पूरे विश्व की एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है, एक ऐसी माउंटेन चेन है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। और ये एक एक ग्लोबल लैंडफॉर्म और ये कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का लैंडफॉर्म है जिसका कि जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, कल्चरल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है क्योंकि इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है इसलिए इसकी जो इसका इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किन किन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अलग अलग जो है वो अलग अलग जो इनकी श्रेणियाँ हैं वो बनी, इसके बारे में रिसर्च अभी तक चल रहा है। और अभी जैसे जैसे बायोफिजिकल नेचर जो है हमारे पर्यावरण का चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सारी परिस्थितियों में बच्चों ये जो है बहुत सारे जो ग्लोबल टीम्स हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो रिसोर्स साइंटिस्ट हैं वो यहाँ आ रहे हैं और जो और इन पूरी हिमालयन जो चेन्स हैं इनको हम कैसे बचाएं, इनका संरक्षण कैसे हो, इसके बारे में भी काफ़ी बातें हो रही है। तो अगर हिमालय के एल्टीट्यूडल वेरिएशंस की बात करें तो जो ईस्टर्न हाफ है ये वेस्टर्न हाफ से ज़्यादा हाइट में इनका जो है वेरिएशंस ज़्यादा है, इसमें जो है जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। और अगर
अगर हम पूरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये तीन पैरेलल रेंजेज हैं जो कि हिमालय में पाई जाती हैं, जिसको कि हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाली जो रेंज है उसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, जो मिडिल वाली रेंज है उसको हम लेसर हिमालय कहते हैं, और सबसे बाहर की जो रेंज है जो कि जिसको कि भावर और तराई वाला जो रीजन है और शिवालिक, उसको हम शिवालिक बोलते हैं। तो इस तरह का ये तीन पैरेलल रेंजेस में हम इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इनके साथ से रेंजेस के साथ साथ हमारे इनके बीच में ढेर सारी ना वैलीज भी देखने को मिलती हैं। चूड़ी वैली है, किसान वैली है, बहुत सारे वैलीज हैं जो कि हमें वहाँ पे इन रेंजेस के बीच में देखने को मिलती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में जो जो हिमालय की जो जो पैरेलल श्रेणी है उसको हम हिमाचली कहते हैं, इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, और उनकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तकरीबन विश्व की 14 जो ऐसी श्रेणियाँ जिनकी हाइट तकरीबन 8,000 मीटर से ज़्यादा, उसमें से 10 ऐसी पर्वत श्रेणियाँ हैं और पीक्स हैं जिनकी जो कि लोकेटेड है हमारे इस हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालयन रेंज में। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, और बहुत सारी जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं, हिमालयन पीक्स हैं, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मैं अभी पीक्स के नाम भी बताऊंगा और उसकी हाइट्स भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जो पीक्स हैं वो लोकेटेड है यहाँ पे। तो जैसे मैंने बात किया, देखिए आप लोग, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, बकारो, डलहौजी, ये सारे जो है पीक्स जो है वो नेपाल और इंडिया में लोकेटेड है, और सबकी जो हाइट है तकरीबन 8,000 से प्लस है। और अगर हम 7,000 के प्लस के हाइट वाली पीक्स की बात करें तो नंदा देवी है, पामेत है, नामचा बरवा है, कुर्ला कुंडाता है। तो इस तरह से जो बहुत सारी हिमालयन पीक्स हैं जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और ये मेरिनियल, इस पे आपको स्नो क्लैड ग्लेशियर्स मिलते हैं, स्नो क्लैड पीक्स हैं। 12 ईयर्स 12 मास यहाँ पे जो है आपको बर्फ जमी रहती है, और ये जो क्षेत्र है वो उसमें ढेर सारे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, और जहाँ से भी ढेर सारी नदियों का उद्गम भी होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो इसके पहले मैं चलता हूँ, और ये देखिए आप इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो ग्रेट हिमालयन जो ग्रेटर हिमालय है, ये कंटिन्यूअस रेंज है, इसमें आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। ये कंटिन्यूअस रेंज है जो कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक एक लगातार रूप में फैली हुई श्रेणियाँ हैं, और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर इनसे हम नॉर्थ की बात करें तो ये जो है तिब्बत से बाइफर्केटेड है, और अगर वेस्टर्न साइड में बात करें तो हमें ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, जिसमें कि खारापुरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज, ये चार जो ऐसी रेंजेस हैं जिनकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। काराकोरम का पार्ट है जहाँ से पामीरनाथ को देख सकते हैं, पामीरनाथ से जो कुछ हिमालय निकलता है, कुल्लू शान माउंटेन्स निकलते हैं, और काराकोरम रेंज निकलती है, जो ट्रांस हिमालय जो है वो उसी का पार्ट है। तो ये आपका जो ट्रांस हिमालय रेंज है, इनकी जो इनकी भी हाइट जो है 3,000 मीटर से अबव है, और यहाँ पे भी ढेर सारे ग्लेशियर्स या चीन ग्लेशियर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और जो केटू गार्डन इन ऑस्टिन जो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो कि भारत की जो सबसे ऊँची चोटी है कंचनजंगा के साथ, उसको भी हम रखते हैं, तो वो उसी रेंज में लोकेटेड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, उसके नीचे जो है वो फ्रेगमेंटेड या टूटा टूटा जो सेकेंड है वो मिडिल हिमालय आता है, और उसके नीचे जो है वो शिवालिक रेंज जो आता है, उसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो जैसा मैं कह रहा था, ग्रेटर हिमालय कंटिन्यूस रेंज है, उनकी हाइट 6,000 मीटर से ज़्यादा है। आपके माउंट एवरेस्ट और नेपाल में जो कंचनजंगा, जो इंडिया में जो कंचनजंगा है 8,500 मीटर जो सिक्किम में पाया जाता है, ये सारी जो रेंजेज हैं, ये सारे माउंटेन पीक्स हैं, ये आपको ग्रेटर हिमालय और तीन हिमालय में पाई जाती है। और इनका जो फोल्ड है जो वो एसिमेट्रिकल है, और इनका जो कोर जो है, जो इनका जो रॉक्स का जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, इट इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट।
और ये पेरिनियल रूट से इसमें स्नो बाउंड रहता है। बट अभी आप लोगों को एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि बहुत सारी जापान स्पेस एजेंसी, नासा और हमारा जो इसरो के कुछ जो अभी सैटेलाइट इमेज जो मिले हैं उससे देखने में से हमें ये पता चला है कि तो हमारे जो ग्लेशियर जो है जो कि इसमें 4 ईयर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिल रहा है, वो धीरे धीरे इसमें ग्लेशियर जो है वो मेल्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका जो कंसोलिडेशन है, अभी रिसर्च आया है कि जो ये जो ग्लेशियर्स हैं धीरे धीरे पिघल रहे हैं, तो जो स्नो की जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस तरह के क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिल रहे हैं। बट अभी भी जो पूरा एरिया है उसमें स्नो क्लैड एरिया है, ऐसा देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी। तो दूसरा एरिया है वो हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं, और ये दीज रेंजेस आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। और इनकी अगर हम हाइट की बात करें, इनके अल्टीट्यूड की बात करें, तो ये 3700 से लेके 4500 मीटर्स में वैरी करता है, और इनकी जो एक एवरेज वेट है तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास देखी गई है, नॉट एवरेज से एवरेज है, कहीं पे 70 भी है, कहीं पे 30 किलोमीटर भी है। तो इस तरह की इनकी जो तो अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें, अगर उससे कंपेरिजन करें, तो उनका जो वेट है वो काफी लिमिटेड है, इतना नहीं है। और इसमें धौलाधार है, पीठ पंजाल सीढ़ी है, महाभारता हिल्स है, ये सब रेंजेस जो है प्रोमिनेंट रेंजेस जो है इस लेसर हिमालय में हमें देखने को मिलती है। और बहुत सारे जो फेमस जो वैली है, जैसे कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में, सोलांग वैली है, ये सब हिल स्टेशंस और इस तरह के वैलीज के लिए हमें ये जाने जाते हैं। और ये चूंकि ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनका एक मॉडरेट तरह का एक इनका फीचर हमें देखने को मिलता है। जी सर, बहुत रोचक जानकारियाँ, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप दे रहे हैं हमारे छात्रों को। और क्योंकि बहुत वृहद सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो भी विविधतापूर्ण है, और उसी तरह से भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफी भी, वो भी विविधता से भरी हुई है, जितना आपने पढ़ाया उसको देख करके ये लगता है, और हम सभी जानते भी हैं। तो सर, समय हमारा जो है अब समापन की ओर है, आप आखिर में, सत्र के आखिर में छात्रों से कुछ कहना चाहेंगे इस पाठ के संदर्भ में? बिल्कुल। तो मेरा एक शिवालिक छूट गया था, तो शिवालिक जो सबसे बाहर की जो रेंज है वो है शिवालिक, और ये इनकी जो जो वेट है वो 10 से 50 किलोमीटर, और इनकी एवरेज हाइट तकरीबन 1000 मीटर के आसपास है। और यहाँ पे ये बहुत ही अनकंसोलिडेटेड रॉक से बनी हुई है, और यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज्यादा आता है, और बहुत सारी वैलीज आपको यहाँ दूर देखने को मिलते हैं, जैसे देहरादून है, पोटली दून है, पाटली दून है, तो इस तरह के बहुत सारे आपको दून से यहाँ देखने को मिलते हैं। और जब हम प्लेन से जब हम हिमालय को एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमारा इनकाउंटर शिवालिक से होता है, यहाँ बहुत सारे झरने भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको श्रेणियाँ हैं, और बहुत सारे बेसिस पे हम हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो इस तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल वे पे और नाम के आधार पे कौन कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय है उसके आधार पे हम इसको बांट सकते हैं। अभी समय का अभाव है तो हम इसको जी कंक्लूड करेंगे, जी बिल्कुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिमालय, चाहे वो डिफेंस की दृष्टि से देख लें या क्लाइमेट की दृष्टि से देख लें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉयल एग्रीकल्चर, टूरिज्म, पिलग्रिमेज। ये बहुत ही, हिमालय ना होता तो आज हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या हमारे देश की दशा और दिशा कुछ अलग होती। तो हिमालय जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट एक बिल्कुल पंछी की तरह बिल्कुल काम अलग। करता है। तो जी इस जी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जी धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रबुद्ध कुमार मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा इन जानकारियों को हमारे साथ, हमारे छात्रों के साथ, दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और अपने दर्शकों से हम अनुमति लें सत्र को यहीं समाप्त करने की, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी सूचना दे दें। पाठ्य सत्र 2023-24 के लिए अगर पाठ्य पुस्तकें आप नहीं ले सके हैं किसी कारणवश, तो अभी भी आपके सामने विकल्प मौजूद हैं। आप ऑनलाइन जो सेल्स काउंटर्स हैं फिजिकल्स, उनसे भी ले सकते हैं। न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में सेल्स काउंटर्स अवेलेबल हैं, और सप्ताह के 7 दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच यहाँ से आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। घर पर पुस्तकें आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी, और इसके लिए
पता है ncert.gov.in, और ऑनलाइन डाउनलोड करने के ऑप्शंस भी है। सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, या प्रिंटआउट लेकर के पुस्तक के फॉर्म में अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप ई पाठशाला, दीक्षा और एनसीईआरटी की वेबसाइट या एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी सूचना के साथ दीजिए अनुमति आज का सत्र यहीं संपन्न करने की, लेकिन आप लगातार जुड़े रहिए शिक्षा और जागरूकता के तमाम कार्यक्रमों के लिए ई विद्या प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।